रामगढ़ में NH 33 पर सरसों तेल से लदा मिनी ट्रक एक कंटेनर से टकरा गया। इस हादसे में कंटेनर पर सवार एक व्यक्ति की भी मौत हो गई, जबकि फंसे हुए दो लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दुर्घटना के बाद सड़क पर सरसों तेल से भरा बोतल और कंटेनर बिखर गया। वहीं तेल बिखरते ही ग्रामीणों और राहगीरों के बीच तेल के लिए लूट मच गई। स्थानीय लोगों के अलावा सड़क से गुजर रहे लोग अपनी गाड़ी रोककर तेल का कंटेनर चोरी करते दिखे। दरभंगा में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने दीक्षित परीक्षा नहीं देने का विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकाला। सभी ने मांगे नहीं माने जाने पर 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी बात कही। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कंप्यूटर ऑपरेटर्स अपनी नौकरी को सरकार से स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में एक तरफ सरकार विकास का दावा करते नहीं थकती, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां अब भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आज आपको हम दिखाते हैं राजधानी रांची से सटे गुमला जिले के एक गांव की तस्वीर, जहां ना तो पक्की सड़कें हैं, न पीने का साफ पानी और ना ही शौचालय। इस पर देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड के गुमला जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तेलगांव पंचायत का बैरागी बागान गांव। इस गांव में ना ही सड़क है ना ही शौचालय, और तो और यहां पीने का साफ पानी भी मयस्सर नहीं। बरसात के दिनों में यह गांव टापू बन जाता है। कमोबेश पूरे बरसात इस गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से कटा रहता है। इस गांव में करीब 70 परिवार के लगभग 500 लोग रहते हैं। इसे विडंबना कहेंगे कि स्वस्थ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण महज 4 लोगों के घरों में ही दिखाई देता है, जबकि गुमला जिला को राज्य भर में खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया गया है। पीने के पानी की सुविधा के नाम पर महज एक चापाकल है जो अक्सर खराबी रहता है। ऐसे में पीने का पानी दूर दराज के इलाकों से लाना पड़ता है। सड़कें पक्की नहीं तो गाड़ियां भी नहीं पहुंच रही। मांग करेंगे कि हम लोग को रोड की बहुत जरूरी है और जल की भी जरूरी है। इतना घर में खाली एक ही क्या बोलते हैं चापानल है और शौचालय भी अभी बहुत कम कोई को मिला हुआ है। पानी का तो दिक्कत है ही, यहाँ पे कम से कम 20 परिवार है जो लोग ये जल मीनार से मैंने आश्रित है, जो कि अभी जब से बना है तब से खराबी पड़ा है, तो इसी को बनाया जाए, हम लोग आवेदन भी दिए। गाहे बगाहे समाज सेवी संगठन के लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन की घुट्टी के अलावा ग्रामीणों को और कुछ नहीं मिलता। जिस तरह से हम लोग मीटिंग किए थे, मतलब गांव वाला लोग मीटिंग किया था, मीटिंग में हम लोग को बुलाया गया, जिसमें बात चले कि यहाँ पर सबसे बड़ा एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ गुमला जिला से 1.5 किलोमीटर की दूरी में है, और वहाँ पर रोड विशेषकर अभी तो धूप दिन में किस तरह से आना जाना करता है लोग, लेकिन बरसात के दिन में मतलब एक एक ढुगना ये गड्ढा होके लोग आना जाना करता है। इस गांव का हाल राज्य की विकास की हकीकत बयां करता है। जरूरत है कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ इन लोगों तक पहुंचे, ताकि स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सके। गुमला से अजीत सोनी के साथ खुशबू की रिपोर्ट। लोगों के कल्याण के लिए सरकार कई योजनाओं की शुरुआत करती है, लेकिन धरातल पर सही तरीके से कुछ ही योजनाएं उतर पाती हैं जिसका लाभ सभी को मिलता है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत गरीबों को आवास मुहैया कराया जाना है, लेकिन ये उदासीनता और लूट खसोट का ही नतीजा है कि सही जगह योजना पहुंच नहीं पा रही। कैमूर से संवाददाता बिट्टू की एक रिपोर्ट देखिए। गुमला
एक तरफ जला हुआ घर और दूसरी तरफ आंगन में पड़ा सामान। तस्वीरें काफी हैं इस बात को बयां करने के लिए कि इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। यह है कैमूर जिले के नुआव प्रखंड स्थित कुढ़नी गांव में रहने वाला एक गरीब परिवार। परिवार के मुखिया मजदूरी कर पाई पाई जोड़ी और मिट्टी का घर बना किसी तरह अपने परिवार के सिर छुपाने की जगह बनाई। एक दिन अचानक मिट्टी का घर टूट गया तो किसी तरह प्लास्टिक और बांस की झोपड़ी बनाकर दिन काटने लगे। लेकिन किस्मत जब खराब हो तो इंसान कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता। 5 मार्च की रात अचानक इस झोपड़ी में आग लग गई और ये परिवार फिर सड़क पर आ गया। गैस से? कैसे आग लग रहे है? गैस से आग लग रहे है। हाँ। तो यही में अब रहत रही जा, अब कैसे रहम जा, कहाँ रही न जा? मड़ई में रही न जा। हाँ। अच्छा, तो आप का चाहता नहीं? मैंने कॉलोनी चाहता नहीं। हाँ। तो कॉलोनी अभी तक नहीं है मिलल ना, का लगा था कब तक मिल जाये? अब इलेक्शन बाद है, नहीं मिली कब कब मिली? मैंने पंचायत चुनाव के बाद मिली। हाँ। अच्छा। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई ताकि कोई बेघर ना रहे, लेकिन इस गाँव में ये योजना महज कोरी बात है। रोज मजदूरी कर रोटी का जुगाड़ करने वाले इस परिवार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। घर जर गिल्ला। अच्छा, मानते हमके कुछ राशन पता ही जो रहे तो जर गई, खाने पिए के कुछ चाहिए, हमके रहे के जगह व्यवस्था नहीं खे, हमके घर चाहिए। कॉलोनी मानते कब से मिली? अच्छा, लोग कहते कि इलेक्शन भीतला मिली, इलेक्शन बाद मिली, तो कैसे अभी रहता नहीं जा? कैसे तिरपाल डाल के रहता नहीं? तिरपाल डाल के यही में सब लड़का लड़की के लेके रहे, लड़का लड़की से अनसन लड़का लड़की लेके रहता नहीं, हमके रहे के जगह व्यवस्था नहीं खे। ग्रामीण और सुदूर इलाके में योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी पंचायत की होती है, लेकिन यहां के वार्ड सदस्य की अपनी ही मजबूरी है। और जवाब ऐसा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। आप सर, घर जला है, गरीब आदमी है, इन लोग को जला हुआ को मुआवजा सरकार से मुहैया कर हम चाहते हैं। अच्छा, आवास तो आप लोग वार्ड हैं, इसी गांव के वार्ड हैं, तो आवास क्यों नहीं बना अभी तक? सर, बनेगा, सूची में तो नाम आ गया है। कब बनेगा? अब तो लोग बोलते हैं कि इलेक्शन बाद बनेगा, पंचायत चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव के बाद लोग बोलते हैं। ये लोग कैसे? लेकिन नहीं सर, ये लोग रहने के लिए असमर्थ हैं, ये तिरपाल डाल कर रहते हैं। पैसा वैसा नहीं ना मांगता है? नहीं सर, पैसा वैसा नहीं मांगते हैं। सुग्रीव के जैसा ही हाल गांव के कमोबेश सभी गरीबों का है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। जले हुए घर के आंगन में अपने सामान के साथ खड़े ये 5 बच्चे देश का भविष्य है। इनकी आंखों ने भी कई सपने देखे होंगे, लेकिन उन सपनों को टूटता देखना इस परिवार की मजबूरी है। जरूरत है कि जिला प्रशासन की नजर ऐसे सभी इलाकों में पहुंचे ताकि भूस की झोपड़ी तो जल गई, लेकिन इन बच्चों का भविष्य उस आग में न जल सके। नेशन न्यूज के लिए कैमूर से पिट्टू सिंह की रिपोर्ट। मोकामा को स्वच्छ बनाने और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के मकसद से जागरूकता रैली निकाली गई। नगर परिषद कार्यालय से सफाई कर्मचारियों और महिलाओं ने इस रैली में शिरकत कर पूरे शहर में जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने में लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की भी अपील की गई। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सिमरी पंचायत में मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से बने पशु शेड का डीएम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को गृह प्रवेश भी कराया गया। इस दौरान डीएम कौशल कुमार ने बताया
कि बीते 14 जनवरी को मिशन गृह प्रवेश फेज वन शुरू किया गया, जिसके तहत जिले भर में 7,336 घर का निर्माण कर लाभुकों को गृह प्रवेश कराया गया। उसी दिन ये निर्णय भी लिया गया कि मिशन गृह प्रवेश फेज टू भी शुरू किया जाएगा। तो 14 जनवरी को हम लोग मिशन गृह प्रवेश फेज वन शुरू किए थे, जिसके तहत 7,336 घर को हम लोग पूर्ण किया गया थे। उसी दिन डिसीजन हुआ था कि 8 मार्च तक हम लोग मिशन गृह प्रवेश फेज टू शुरू करेंगे, जिसमें अधिक से अधिक लाभुक का घर हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि इस 15 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक हम लोग अभी जिला में आज के दिन में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर जहीर खान मंगलवार की सुबह अपनी पत्नी के साथ रामगढ़ स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माँ के दरबार में सिर झुकाया और अपने परिजनों की सलामती की दुआ मांगी। इस दौरान जहीर ने झारखंड के खूबसूरत वादियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी मन्नत थी कि जब भी वो झारखंड जाएंगे तो एक बार जरूर रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर का दर्शन करेंगे। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ, नमस्कार।